जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग हमें सुनते हैं या फिर आप जिस जगह पे हैं, कि हम सिर्फ लेक्चर देते रहते हैं या दोस्तों के साथ सिर्फ बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर अंधकार में ही गुजरेगा। इसलिए हमें ये कंट्रोवर्सी से भी बचना चाहिए। हर तरह के बर्ताव या हर तरह की बातें जो इधर उधर की होती है, उन सब चीज़ों से हम स्टूडेंट को बचना चाहिए। अपने आप को बेहतर या कम उम्र में आगे बढ़ना है तो हमें दोस्तों या लड़कियों, इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गोल पे होना चाहिए, जहाँ से हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले या फिर पॉजिटिव चीज़ें वहाँ से निकले। ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं और आपका दोस्त टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उसी समय उस दोस्त को छोड़ दीजिए। इस तरह से आप कोई भी काम करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आपका दोस्त ही आपको रोकता है। कुछ दोस्त आपको बढ़ावा भी देगा, लेकिन कुछ दोस्त जो टांग खींचने वाला है, उन दोस्तों से उलझना नहीं है। वहाँ पे, उस जगह पे पॉजिटिव वर्क करके उन वहाँ पे हमें डिस्टेंस बनाना होगा। यदि आपका दोस्त हो या आपका रिलेटिव हो या आपका पड़ोसी हो, इन सब चीज़ों को कभी भी अपने दिमाग में रखना तो बिल्कुल गलत है। इसलिए आप उन सब चीज़ों को छोड़ करके अपने कामों में 100% दें। इससे आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा और किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मन लगेगा। आप पढ़ाई करते हैं तो आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो अशोक थे, तो वो भी, उनके गुरु जो चाणक्य थे, वो हमेशा इन सब चीज़ों या इन सब मार्गों से बचाते रहते थे कि यहाँ से किस डायरेक्शन में निकलना है, कब किसको छोड़ना है। तो उसी तरह से हमारा लाइफ है, हमें कब किसे और किसके साथ रहना, ये हमें खुद भी नहीं पता होता, जिस कारण हम कुछ दोस्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन वो दोस्त को छोड़ना सही है या नहीं, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें अभी उससे दूर होने के बाद हमें अपने कामों में 100% दे सकते हैं, तो ये करना हमारे लिए सही होगा। दोस्त दोस्त अपने जगह और हमारा जो वर्क है वो अपने जगह होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों को छोड़ देना, दोस्त के साथ रहना है, लेकिन जब हमेशा वो निगेटिव बातें करे तो उस जगह पे स्टॉप लगा करके आप अपने दोस्तों का भी ध्यान सही डायरेक्शन में पहुंचा सकते हैं। अब सही डायरेक्शन में यदि वो चला जाता है तो अच्छी बात है, यदि वो नहीं जा रहा है तो उसके साथ आपको ज़्यादा बात करने से उसका ब्रेन और ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। इसलिए उस दोस्त को अकेले छोड़ देना चाहिए, तो वो खुद अपने आप को संभाल लेता है। यदि आप किसी भी इंसान का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कब तक सपोर्ट कर सकते हैं, एक लिमिट टाइम होता है। यदि आप उन दोस्तों से ही अपना वक्त खराब करते रहिएगा तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। इसलिए आप अपने ब्रेन को सबसे पहले अच्छे से वर्क कराइए और अपना 100% बुक और अपने कामों में दीजिए, जिससे आपका ब्रेन सही से वर्क करेगा। और हमारा ब्रेन ही एक ऐसा डिवाइस है जो हमें एक सही जगह पे या सही जगह पे पहुंचा सकता है। यदि हम अपने ब्रेन को ही खराब कर देंगे या फिर पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे, तो हमारा वहाँ तक पहुँचना निश्चित तो नहीं, लेकिन ये निश्चित जरूर हो जाएगा कि हमारा जो फ्यूचर आने वाला होगा वो बेहद ही मुश्किलों से भरा हुआ रहेगा। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को छोड़ करके, दिवाली के दिन इन सारे बुराइयों को छोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। IAS हो या IPS हो या जितने भी अधिकारी हो, ये सब बहुत सेक्रीफाइस करके ही वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी होने वाला ही होता है और हमारे साथ ऐसा होता भी है। तो हमें हमेशा इन सब चीज़ों से लड़ाई ना करके हमें एक सही डायरेक्शन की ओर चलना होगा, जिससे हमारा कोई नुकसान ना पहुँचे और ना ही कोई नुकसान पहुँचा सके। इसलिए हमें हमेशा 100% बुक और अपने कामों को देना चाहिए, जहाँ से बेनिफिट हो। हमेशा दिमाग में रखें कि किसी भी इंसान को छोड़ना, वो गर्लफ्रेंड हो या दोस्त हो, वो आपके लिए ऑक्सीजन का काम तो नहीं कर रहा है। आप ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, लेकिन किसी भी इंसान के बिना आप रह सकते हैं, ये निश्चित है। आप किसी को छोड़ने से ये मत सोचे कि छोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, आपका अच्छा ही होगा। किसी भी बुरे इंसान को छोड़ने से आपका नुकसान नहीं होता है। हाँ, यदि कोई अच्छा इंसान है तो आप उसके साथ रहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सभी इंसानों से दूर हो जाइए।
आप इंसानों के बीच रहिए लेकिन जो आपके लिए सही हो, ये नहीं कि आप किसी गलत इंसान के चक्कर में अपना समय और सारा कीमती वक्त उसे ही दे रहे हैं। इन सब चक्करों को छोड़ करके स्टूडेंट है तो मेहनत कीजिए और घर की ओर एक नज़र डालिए कि आपका घर किस हालात से गुजर रहा है और जो आपको पैसा भेजते हैं वो कितने मुश्किलों से देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जब फोकस कीजिएगा तो आपका ध्यान उन लड़की या बुरे कामों से हट करके आपका सही कामों में 100% ध्यान चला जाएगा, जिससे आप एक अच्छे इंसान तो बने रहेंगे और आप लोगों का भी अच्छा कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं इन हालातों से गुजरता है, जिस वजह से हमें ये पता भी चलता है कि हमारा जो एज है इन एज में किन किन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान भटकता है। तो ऐसे में हमें किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों को पकड़ना है ये आप भली भांति जानते हैं। सभी को हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अच्छाई जिस तरह से दीपक रोशनी को फैला रहा है, उसी तरह आज हम संकल्प लेते हैं कि हमें भी अच्छाई फैलाना होगा और हम अकेले नहीं फैला सकते, इसमें सभी का योगदान 100% का होना जरूरी है। और जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों से अपील है कि सभी मिलकर के अच्छाई को फैलाने का काम करें। धन्यवाद।